पाव आइटम दिखा देता हूँ प्यार से। देखो इसे कहते हैं भैया चिकन लॉलीपॉप, इसे कहते हैं मलाई कबाब, साथ में भैया ने अफगानी चिकन दे रखा है, और ये साथ में दे रखा है चिकन तंदूरी। अब आप अपने साउथ दिल्ली में मालवीय नगर की मेन मार्केट में यहाँ खड़ा हूँ, जहाँ वहाँ आपको नॉनवेज के आइटम दिखाऊंगा, एक से एक बेहतरीन आइटम दिखाऊंगा जो आप जिसको खा सकते हो। एक से एक भैया के पास शानदार आइटम है, शाम को भैया के पास सारे आइटम लगते हैं, चाहे चिकन का आइटम ले लो, आपको मैं कबाब का आइटम दिखाऊंगा, अफगानी चिकन दिखाऊंगा, सारी वैरायटी दिखाऊंगा, आपके सामने बनते हो फ्रेश आइटम। तो अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे साथ वीडियो में एंड तक देखना, चलते हैं मेरे साथ और आपको एक एक चीज दिखाता हूँ बनते हुए किस तरीके से। सबसे पहले भैया अपना नाम बता दो प्यारा से। सोहेल। तो यहाँ पे जी आपको कितना टाइम हो गया? 8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए, ठीक है। तो ये क्या लगाने वाले हो? ये चिकन तंदूरी है। चिकन तंदूरी है, ठीक है। अगर इसका मैं क्वार्टर का बात करूँ तो इसका क्या प्राइस रहता है? क्वार्टर 100 रुपए का है। और ऑनलाइन भी दे देते हो? अगर कोई ऑफ ऑनलाइन भी अवेलेबल है, स्विगी जोमेटो पे है दुकान, सारी चीजें ऑर्डर मिल जाएगी। और ये जो सामान आप रेडी करते हो, ये सारी चीजें यहीं रेडी करते हो या आप लोग घर से तैयार करके लेके आते हो? दुकान में रेडी करते हैं ये सारी चीजें। और एक चीज और बताओ भैया, खास चीज की जैसे ये आपने आइटम लगा रखा है तंदूर का, तो ये जो आज ये जो सामान है, ऐसा तो नहीं है कि आज अगर यूज कर रहे हो तो कल भी इसको यूज करते हो, या आज का आइटम आज ही खत्म? आज का आइटम आज ही खत्म। पक्का? अब ये कहाँ जाएगा? ये तंदूर जाएगा। तो तंदूर में दिखाते हैं, आ जाओ आ जाओ आराम से। तो ये देख लो भैया का तंदूर है और इसमें ये बनने चला गया। तो भैया अगर बात करी जाए तो कितनी देर में बनके तैयार हो जाएगा? ये 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट में बढ़िया बनके तैयार हो जाएगा। चलो ये चिकन कबाब, ठीक है। तो इसमें भैया क्या क्या डालते हो, थोड़ा सा एक बार आइटम बता दो। तंदूर जाएगा। अच्छा, नहीं नहीं, ये जो सामान है इसके अंदर क्या क्या, अंदर इंटीग्रेंट्स इसमें क्या क्या डाल रखा है थोड़ा सा बता दीजिए। इसके अंदर? हाँ, इसके अंदर है जीरा पाउडर होगा, ठीक है, गरम मसाला होगा, ठीक है, वो होगा क्या बोलते हैं व्हाइट पेपर, जी जी, और इसमें तो ये जो कबाब है, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, अदरक लहसुन लगाओ भैया। ये भी चला गया तंदूर में, अब आपको तंदूर में ये भी बनके 5 से 7 मिनट में तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज का भैया काम, एक चीज का ध्यान रखना, जो हमारा आइटम लगा रहे हैं थोड़ा स्पाइसी रखिएगा, हम लोग ना थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं ताकि तीखापन आ। ये आपका वो है क्या बोलते हैं इसको, किचन है एक तरीके से, ठीक है, ठीक है, लगाइए ये पीस का। इस पीस का नाम क्या भाई? चिकन अफगानी है। चिकन अफगानी है, ठीक है। और इसके अगर प्राइस की बात करी जाए तो क्या प्राइस रहता है? ये 120 रुपए क्वार्टर है। 120 रुपए का क्वार्टर है। और अगर फुल प्लेट की बात करी जाए तो? फुल प्लेट 460 रुपए। 460 रुपए का। ऑनलाइन भी आ सकता है और ऑफलाइन में यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं। साथ में इसके क्या क्या देते हैं भैया आप लोग? इसमें वो ग्रीन चटनी होगी। हाँ जी। और प्याज होगा। तो मिंट वाली चटनी, जो ज्यादातर लोग हरी वाली चटनी जो मिंट वाली होती है। अच्छा, ठीक है, वो भी खा के दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है, लगाओ भैया। आ जाओ, फ्राई वाला दिखाओ। ये चिकन लॉलीपॉप है ये जो आपने बताया। अच्छा, तो ये जो भैया आप बना के रखते हो, ये कितनी देर पहले बना के रखते हो? हाफ डन होता है या हाफ डन बन के, हाफ डन करके रखते हो? 6:30 बजे 5 बजे तक हाफ डन होता है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें डाल रखी है? बेसन उसन है? इसमें बेसन है, अंडे है, ठीक है, और क्या बोलते हैं मसाले हैं, ठीक है। मसाला आपका खुद का सीक्रेट मसाला जो लोग यूज करते हैं इंटीग्रेंट्स, वो वाला डाल रखा है, ठीक है। और तेल जो है भैया सरसों का है, रिफाइन है, सरसों का तेल है, ठीक है, सोयाबीन का तेल है, ठीक है, ठीक है। और ये जो तेल है ये भी फ्रेश यूज होता है, आज जो यूज हो गया कल इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है, पर डे तेल, पर डे चेंज होता है, ठीक है। ये भी भैया 5 से 7 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसा प्लेट में डालो, स्टाइल में थोड़ा लगा दो। हाँ, अब ये देखो भैया हमारा कबाब बनके रेडी हो गया। अब ये कबाब हो गया रेडी, ठीक है। ये आपका खुद का सीक्रेट मसाला, ठीक है, क्रीम अमूल। अच्छा, अमूल का यूज करते हो? और कोई और यूज नहीं करते? ठीक है, ठीक है। ये हल्का सा क्या आया भैया? देसी घी। अच्छा, मक्खन चला गया, ठीक है। और साथ में मान लो कोई रुमाली रोटी लेना चाहता हो भैया? रुमाली भी है। रुमाली भी रखते हो, ठीक है। तो भैया हमारे लिए एक रुमाली रोटी भी लगाइएगा, ठीक है। अच्छा, रुमाली रोटी के अलावा और कौन सा रोटी रहता है आपके यहाँ? वो है क्या बोलते हैं, बटर नान भी है, लच्छे परोड़े भी है, ठीक है, और परोड़े भी कई सारे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे इसमें ज्यादातर लोग तो तंदूरी रोटी ही मांगते होंगे, तंदूरी रोटी होता, ठीक है। एक मिनट, ला ला, थोड़ा सा मसाला स्पाइसी कर देना। हाँ जी, ठीक है।
ये आ गया बढ़िया प्यारा सा नींबू, ठीक है थोड़ा सा खट्टा कर देना भैया हमारे लिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और भैया एक बात बताओ, छुट्टी उट्टी रहती है? छुट्टी नहीं रहती है। अच्छा 7 डेज ओपन है, ठीक है। और गाँव जाते हो आप? नहीं जाते भैया, साल एक डेढ़ साल में। तो घर वाले याद नहीं करते आपको? यार याद करते हैं। तो फिर क्या मना कर देते हो कि नहीं आ रहा मैं? नहीं, जब जरूरत पड़ जाती है चले जाते हैं। अच्छा वैसे छुट्टी मिल जाती है भैया के यहाँ से? वैसे ऑन एन एवरेज एक डेढ़ साल में जाते हो, तो यही खाना पीना रहना उठना है। चलो बढ़िया। दुकान का क्या नाम है अंकल जी? चलो भैया ये कौन सा है आपका? अफगानी, ठीक है। तो ये भी डिमांड में है लोगों के? हाँ जी बहुत, ठीक है। ये 8-10 गुरु काम है। सबसे ज्यादा आपने बताया चिकन लॉलीपॉप बिकता है, और चिकन लॉलीपॉप के बाद कौन सा आइटम है जो यहाँ सबसे ज्यादा बिकता भैया? चिकन चंगे जी। अच्छा एक बात बताओ, ड्राई आइटम ज्यादा बिकता है या ग्रेवी आइटम? ग्रेवी आइटम और ड्राई ज्यादा बिकता है। ज्यादा ये बिकता है? और दुकान तो ज्यादा शाम को ही खुलती है ना भैया? हाँ जी शाम को ही, हमारा काम शाम को ही। अच्छा ठीक है, ये शाम को ही मिलेगा आपको। तो देख सकते हो भैया जो है हमारे, मैं आपको बता रहा हूँ भैया जो है, भैया राजधानी ट्रेन होती है ना जिस तरीके से एक्सप्रेस गाड़ी, उस तरीके से भैया बनाते हुए चले जा रहे हैं। भैया को इस तरीके से लगा लो आदत है कि भैया की दुकान पर अगर कोई आएगा ना तो भैया 5 से 7 मिनट में आपको बना के दिखा देंगे। हमारी जबकि इतनी खास डिमांड थी कि भैया थोड़ा आराम से बनाए, लेकिन भैया तब भी इतनी बढ़िया से बना के आपको चीजें दे रहे हैं। अब इसमें चटनी डाल दीजिएगा इसमें। ये रेस्टोरेंट मूर्थल। अब आपको साउथ दिल्ली में अगर आप होना तो आपको किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, मेरे भाई यहाँ पर आना है और आपको बढ़िया से ऑर्डर देना है। इतना अच्छा सपोर्ट आ रहा है ना लोगों का, इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है कि लोग जो है ना पहाड़गंज से या पुरानी दिल्ली से लोग यहाँ भैया के पास आ रहे हैं खाने, क्योंकि यार साउथ दिल्ली में आपको वैसी गिनी चुनी दुकान है, और जिस दुकान पे आ रखा हूँ आपको सारी चीजें फ्रेश मिलेगी। सबसे बड़ी बात है फ्रेश आइटम है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये चिकन लॉलीपॉप है मेरे सामने। ये देखो मेरे सामने ये भैया ने तैयार करा। ऐसा नहीं है कि भैया कई जगह होता है ना कि चिकन फ्रोजन करके रख दिया जाता है, उस तरीके का नहीं है। भैया ने बताया सारा आइटम यहाँ डेली बनाते हैं और डेली यूज करते हैं। ये देखो मेरे सामने आपकी मिंट वाली सॉस है, मिंट वाली चटनी है। अब इसके साथ टेस्ट करते हैं और आपको बताता हूँ किस तरीके का टेस्ट हो रहा है। ये जो है ना भैया आइटम मैंने आपको बताया, लॉलीपॉप जो है भैया की दुकान में सबसे ज्यादा डिमांडेड है। भैया से मैंने बात करी थी जब बना रहे थे, तो कह रहे थे कि इनके यहाँ जो है ना लोग इसी के लिए खास आते हैं खाने, ये इसके लिए खास डिमांड है। आप देख सकते हो इसका किस तरीके से पीस बन रखा है, और पीस में सारी चीजें डाल रखा है, बेहतरीन है। मसाला इसमें अच्छे से डाल रखा है, ऐसा आपको कहीं से नहीं लगेगा। आप टेस्ट करके देख सकते हो कि भाई कच्चा है, सारी चीजों का जूसी कर रखा है, इनहांस कर रखा है मसाला, एक से एक आप बेहतरीन चीजें इसमें देख सकते हो, सारी चीजें डाल के भैया ने तैयार करा है। दूसरा आइटम जो है भैया की दुकान पे वो है कबाब। ये आप देख सकते हो कबाब है, कबाब में सारी चीजें भैया ने डाल रखा है। कबाब भी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ किस तरीके हो रहा है, एक से एक सारी चीजें डाल रखा है भैया ने आपको बताया। अमूल का यूज करते हैं, और इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ किस तरीके का हो रहा है। बिल्कुल भाई कह रहा था ना आपको, जो कहते हैं ना चांदनी चौक वाला टेस्ट, सेम आपको वाला टेस्ट जो है भैया की दुकान पर यहाँ मिलेगा। अब मैं कह रहा हूँ आपको जाने की जरूरत नहीं, अपने दोस्त के साथ आ सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो। एक बात बताओ भैया, यहाँ फैमिली के साथ बैठ के खाना खा सकते हैं हम लोग, आराम से खा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अफगानी आइटम है, जूसी देख लो अंदर से कितना हो रहा है, सारी चीजें डाल रखा है भैया, क्या दिखाऊं आपको बताओ। ये देखो एक से एक मसाला अंदर तक जो मसाला जा रखा होता है ना, बढ़िया भैया ने मसाला डाल रखा है, और आपको खाने के बाद ना लगेगा कि भैया आप कुछ खा रहे हो। जिस तरीके से पैसा खर्च करके कहते हैं ना लोग खाते हैं, उस तरीके से लगेगा कि आपने कुछ खा रखा है। साथ में मिंट सॉस लगाता हूँ और खा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का स्वाद हो रहा है। एक नंबर का भैया, शानदार भाई का है मेरे भाई, शानदार भाई का। तो दिल्ली में अगर खाओ मेरे हिसाब से, तो मैंने आपको बता दिया मैंने तो आइटम ले रखा है, तो आप लोग भी आओ, हम भी खाते हैं पीते हैं, और फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।